सो ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम चारकोल पेंसिल की मदद से एक रियलिस्टिक हेयर्स किस तरह से ड्रॉ करना है वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और इससे पहले इस ड्राइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जल्दी से जाके देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए मैं कैमलिन ब्रांड के सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने 2-3 पेंसिल्स ले रखे हैं बिकॉज हमें स्ट्रोक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए 2-3 पेंसिल में एक के साथ शार्प कर लिया हूँ। और ध्यान रखना पेंसिल शार्प होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस में ऑब्जर्व करके जो भी लाइट और डार्क हेयर्स है उसको बेसिक लेयर पे शेड करना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है हेयर्स है तो हमें डायरेक्टली स्क्रैचिंग टेक्निक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, और जिस डायरेक्शंस में हेयर्स है उसी डायरेक्शंस में स्ट्रोक्स लगाते हुए हेयर्स को ड्रॉ करना है। और यहाँ पे ध्यान रखना जहाँ पे भी लाइट हेयर्स है वहाँ पे हमें बिल्कुल भी लो प्रेशर का यूज़ करना है, और जहाँ पर भी डार्क हेयर्स है वहाँ पे मीडियम प्रेशर का ही यूज़ करना है बिकॉज उसके ऊपर हमें ब्लेंडिंग करके और भी ज़्यादा लेयर्स का अप्लाई करना है। और ये बेसिक लेयर है तो ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करके या फिर बिल्कुल भी घिस के ड्रॉ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये चारकोल मीडियम है तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है ब्लेंडिंग के बाद, तो ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करने की ज़रूरत बेसिक लेयर को तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे फुल हेयर्स पे मैं किस तरह से स्ट्रोक्स लगाते हुए शेडिंग कर रहा हूँ वो आप अच्छे से देखो, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ध्यान रखना ये चारकोल मीडियम में आपको पेंसिल शार्प होना इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ आपको प्रेशर मेंटेन करना होगा। और ध्यान रखना जब भी आप ड्रॉ करोगे तब आपके हैंड के नीचे कौन से भी एक थिन प्लास्टिक पेपर या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ करना बिकॉज यहाँ पे चारकोल काफ़ी ज़्यादा फैलता है, तो हो सकता है आपको रिमेनिंग पार्ट ब्लैकिश हो जाए और काफ़ी गंदा लगता है वो, तो उसका अच्छे से केयरफुली ध्यान रखना। तो यहाँ पे फुल हेयर्स में मैं किस तरह से शेडिंग कर रहा हूँ वो आप अच्छे से देखो। तो यहाँ पे बेसिक लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे ब्लेंडिंग करने के लिए यहाँ पे हमें मेकअप ब्रश का यूज़ करना है, और ध्यान रखना हमें मेकअप ब्रश ही यूज़ करना है, आप कलर पेंटिंग का ब्रश बिल्कुल भी यूज़ मत करना बिकॉज उसके स्ट्रोक्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और वो पूरे चारकोल को हटा देंगे, हमें वैसा नहीं चाहिए। बस हमें स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए मेकअप ब्रश का यूज़ करना है, और यहाँ पे कौन से भी फिंगर या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ बिल्कुल भी मत करना वरना पूरा मैट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस स्टेप बाय स्टेप जिस वाले एरियाज़ में हमें हेयर्स ड्रॉ किए थे और जिस डायरेक्शंस में हमें स्ट्रोक्स लगे थे उसी डायरेक्शंस में हमें ब्लेंडिंग करनी है। और यहाँ पे ध्यान रखना अगर आपने शेडिंग हॉरिजॉन्टली की है तो ब्लेंडिंग हमें वर्टिकली बिल्कुल भी नहीं करना है, जिस डायरेक्शंस में हमने स्ट्रोक्स लगाए हैं शेडिंग की है बस उसी डायरेक्शंस में हमें ब्लेंडिंग करते जाना है। और यहाँ पे बेसिक लेयर को ब्लेंड करने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई मत करना, एक नॉर्मल प्रेशर की मदद से अच्छे से स्मूथली ब्लेंडिंग करना। और ध्यान रखना ब्लेंडिंग के टाइम पे अगर आप अच्छे से टाइम दोगे तो हो सकता है आपके आगे के लेयर्स काफ़ी स्मूथली अप्लाई हो पाए। तो यहाँ पे मैं देखो कितना टाइम लगा के अच्छे से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैं कौन से एरियाज में ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे ध्यान रखना डार्क वैल्यूज़ और लाइट वैल्यूज़ में अच्छे से ब्लेंडिंग करना। तो अभी ब्लेंडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पे उसके ऊपर हमें हाइलाइट्स देना इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आप रेफरेंस में देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो उसे दिखाने के लिए मैं यहाँ पे अप्सरा के टोम्बोनो टाइप की इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे नॉर्मल इरेजर को कट करके भी कर सकते हो या फिर आप अप्सरा के टोम्बोनो इरेजर का भी यूज़ कर सकते हो, ये नॉर्मल मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो जो भी हाइलाइटेड हेयर्स है वहाँ पे मैं जिस डायरेक्शंस में स्ट्रोक्स है उसी डायरेक्शंस में इरेजर की मदद से भी स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। और ध्यान रखना इरेजर की निप को अच्छे से ब्लेड की मदद से कट कर लेना जिससे आपको एक परफेक्ट स्ट्रोक मिल जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पर भी हाइलाइटेड एरियाज है हाइलाइटेड हेयर्स है उसी वाली एरियाज़ में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पूरी हेयर्स पर हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, बस रेफरेंस में ऑब्जर्व करके देखो कौन से एरियाज़ में हाइलाइटेड एरियाज़ है और उस वाली एरियाज़ को शेड करते जाओ। तो यहाँ पर बस देखो मैं किस तरह से हाईलाइट्स को अप्लाई कर रहा हूँ। ओके
ओके तो अब हाईलाइट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो भी हमारी लास्ट लेयर है वो अप्लाई करने का टाइम आ चुका है, और ये जो लेयर होगा वो थोड़ा सा फाइनल लेयर होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना आपकी पेंसिल फिर एक बार शार्प कर लेना, बिकॉज ये फाइनल लेयर है। और जो भी थिन हेयर्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक रियलिस्टिक लुक देने में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ड्रॉ करने के लिए शार्प पेंसिल का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो भी एरियाज हमने हाईलाइट किए थे वो छोड़ के जो फिर भी डार्क एरियाज हमें दिखाई दे रहे रेफरेंस में, उस वाले एरियाज़ को मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ। और यहाँ पे ध्यान रखना जो भी हाइलाइटेड एरियाज हमने शेड किया था उस वाले एरियाज में भी काफ़ी ज़्यादा डार्क हेयर्स है, जो भी थिन हेयर्स है जो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क लगता है उस एरियाज में किस तरह से शेड कर रहा हो वो देखो। और ध्यान रखना ये लास्ट लेयर होने वाली है, तो जो भी थिन हेयर्स और जो भी एग्जैक्ट बॉर्डर होगी वो अच्छे से ड्रॉ कर लेना। और यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख सकते हो किस तरह से हमारे हेयर से यहाँ पे लग रहे हैं। एंड आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बी प्रैक्टिसिंग बी इम्प्रूव्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।